आयरन मैन के जबरदस्त फैक्ट्स जो आप नहीं जानते हैं पार्ट टू। 1974 में स्टैनली ने अपने आर्टिस्ट से पूछा कि आयरन मैन के हेलमेट में नाक क्यों नहीं है। उसके बाद आने वाली कॉमिक्स में आयरन मैन के सूट में नाक दिखाई जाने लगी, बट फिर स्टैनली को ये रियलाइज हुआ कि वो अजीब लग रहा है और नाक को हेलमेट से हटवा दिया। एक बार आयरन मैन ने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की टीम भी ज्वाइन कर ली थी, उसके लिए उसने एक सेपरेट सूट भी बनाया था जो ऐसा दिखता था। 1997 में जब मार्वल और डीसी का कोलैब हुआ, उस टाइम पे हमें एक सुपर पावरफुल आयरन लैंटर्न देखने को मिला, जो कि मार्वल के आयरन मैन और डीसी के ग्रीन लैंटर्न का कॉम्बिनेशन था। एमसीयू की मूवीज में आपने देखा ही होगा कि टोनी स्टार्क वॉइस कमांड की हेल्प से अपने सूट को कंट्रोल करता है, बट 1963 में जब आयरन मैन पहली बार आया था तो वो अपनी जीभ की मदद से हेलमेट के अंदर जो सारे बटन्स हैं उन्हें दबा के सूट को कंट्रोल करता था।